Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to have some discussion about the environment and signal design in case of communication. What kind of environment influences different sorts of communication, and then different types of ways of communication. They have been discussed over here. For example, visual channel ki baat karenge inshallah. उसमें एगोनिस्टिक बिहेवियर जो ब्लू टिट बर्ड का हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था उसकी डिटेल बात उसकी बात की है डिटेल में कि वो विजुअल चैनल को कैसे यूज करते हैं. साउंड चैनल अकोस्टिक चैनल उसकी एग्जांपल्स कुछ मेंशन की गई हैं. इलेक्ट्रिकल चैनल केमिकल चैनल एंड मैकेनिकल चैनल दे विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर एज वेज ऑफ कम्युनिकेशन. इससे पहले भी हमने कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन में कम्युनिकेशन टाइप्स की बात की थी. केमिकल कम्युनिकेशन साउंड विजुअल कम्युनिकेशन अकोस्टिक कम्युनिकेशन इन चैनल्स की बात की थी. यहाँ पे भी इन्हीं के हवाले से डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स उनका एवोल्यूशन और ऑर्गेनिजम्स उनको कैसे यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट उसको बेटा डिस्कस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनवायरनमेंट और सिग्नल डिजाइन में सबसे पहले चैनल्स में इलेक्ट्रिकल चैनल को डिस्कस किया गया है. सर्टन एनिमल्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर they communicate with the help of electrical signals or electrical sense. Aquatic environment ke andar aapne lateral line system amphibians aur fishes ke andar padha tha jiske through wo balancing bhi kar rahe the aur sath humne ye bhi kaha tha ki electrical jo sense hai uske liye bhi use ho raha tha lateral line system. Some such as electrical sense are relatively rarely used because they can only operate in one specific environment, that is aquatic environment. Or beta others ways of communication, they are widely used, and there are four in particular that are commonly used in range of environments. In my visual communication, jisme aapke examples pehle bhi discuss kar chuke hain, aaj mazid hum discussion kar lenge. Hearing ki base pe, chemical ki base pe, aur mechanical channels, physical jo communication hai uske hawale se. Each of these several they present, they have some advantages as well as disadvantages in certain kinds of environment. For example, सबसे पहले visual channel की अगर हम बात करें तो visual channel में हमने discuss किया था animals जो day time में या night time में जिनकी vision develop हुई है. Night time में जिनके पास rod cell ज्यादा है उनमें अच्छी vision है. Nocturnal animals के केस में day time में वो animals जिनके पास हम बात करते हैं cone cells हैं efficiently वो day vision में involved है. तो कम्युनिकेशन विच इज हेल्प टू द वीएन ओनली ट्रांसफर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एट द सेम टाइम. एक वक्त में बहुत सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है और इसका क्लियर एडवांटेज यहाँ पे लिखा जा रहा है इज दैट दे कैन बी चेंज्ड रैपिडली टू अलो रैपिड चेंजेस इन द मैसेज दैट सिग्नलर विशेस टू कन्वे. कि कम्युनिकेशन सिग्नल में एकदम से जब आप कोई चेंज लाएंगे तो वो भी परसीव हो जाएगी. रैपिड ट्रांसमिशन हो रही होती है लेकिन जाहिर है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इट कैन नॉट मूव अराउंड द ऑब्जेक्ट्स. कोई दरमियान में ऑब्जेक्ट आ जाए ट्रीज आ जाए कोई आपके लिए रॉक्स आ जाए तो उसके क्रॉस मूव नहीं कर सकते ये कम्युनिकेशन. फिर विजन की एक लिमिट भी होती है एनिमल्स के पास एक स्पेसिफिक लिमिट तक की जो ऑर्गेनिजम्स इसको देख सकते हैं. फिर सिग्नलर डार्क में अगर यूजली जो विजुअल जो स्टिमुलाय है वो डार्कनेस में या अंधेरे के अंदर ज्यादा यूजफुल स्टिमुलाय यूजफुल सिग्नल कंसीडर नहीं होते. ब्लू टिट्स में आपने एग्रेसिव बिहेवियर की एग्जांपल डिस्कस की इससे पहले भी कि ये बर्ड्स एग्रेशन शो करते हैं. इनके अंदर जो एग्रेसिव बिहेवियर उसमें फाइट्स बहुत कम होती है. फाइट्स की बजाय सामने जो नजर आ रहा है ब्लू टिट्स पैरस करेलियस फाइट्स की बजाय बस एक्सप्रेशन ऐसा दे देते हैं कि एक जो है वो एग्रेसिव टोन शो करेगा एक बर्ड. जैसे इसमें राइट साइड पे जो बर्ड है वो एग्रेसिव जो है वो रोटेशन एग्रेसिव पोस्चर में है और दूसरा जो बर्ड है वो सप्रेसिव या सबमिसिव बिहेवियर शो कर रहा है. तो इनकी जो अग्रेसिव नेचर है उसमें विजुअल सिग्नल का ये रोल है कि अक्सर फाइट्स में से बहुत चंद ऐसा होता है कि फिजिकली वो फाइट करे. चंद एक एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं वेरी फ्यू. जैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इनफैक्ट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इन्वॉल्व क्लोज टू 3000 एगोनिस्टिक कॉन्टेस्ट 3000 कंटेस्ट में से लेस देन 30 फाइट्स ऑब्जर्व की गई. भाई बाकी फाइट्स क्यों नहीं हुई उसमें ये एगोनिस्टिक अगर बिहेवियर था अगर ये अग्रेसिव बिहेवियर था
तो उसमें फाइट्स क्यों नहीं हुई? उनमें फाइट्स इसलिए नहीं हुई कि वहां पे जो सबमिसिव ऑर्गेनिज्म था उसने अपने पोस्चर से अग्रेसिव या अग्रेशन एगोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म को ये मैसेज दे दिया दूसरे बर्ड को दैट आई एम नॉट रेडी टू फाइट, मैं फाइट नहीं कर रहा, मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो इसमें फिर इनके पोस्चर की जो एवोल्यूशन है उसको डिस्कस किया गया कि इनका जो पोस्चर है विजुअल सिग्नल ही ऐसा ट्रांसमिट करता है, इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि ऑपोजिट मेंबर ऑपोजिट ऑर्गेनिज्म वो रिकग्नाइज कर लेता है और फिजिकल फाइट्स इनमें जो है वो इस तरह से कम होती है। मेल्स हैव डोमिनेंस, इसमें जनरल एक ऑब्जर्वेशन है कि मेल्स में डोमिनेंस होती है और फीमेल जो है वो सबमिसिव बिहेवियर ज्यादा शो करती है, और फील्ड में यूजुअली मेल जो है वही डोमिनेंट बिहेवियर शो कर रहे होंगे, लेकिन अगर दो मेल्स भी आपस में फाइट कर रहे हैं तो उसमें भी ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो होगा, फाइट के चांसेस वहां पे भी कम है। बट व्हेन टू बर्ड्स ऑफ द सेम सेक्स एज मेंशन्ड हियर मीट दिस सिंपल रूल कैन नॉट बी यूज्ड इन सच अ सिचुएशन, अगर दोनों मेल्स हों ब्लू टिट्स अचीव कॉन्टेस्ट रेजोल्यूशन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअलाइज्ड रिफाइंड विजुअल डिस्प्लेस। जैसे इंटरेक्टिंग बर्ड्स हैं उनका पोस्चर मैंने पहले भी बताया ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, एंड इट्स जनरली अस्यूम्ड दैट बर्ड्स यूज इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन दिस डिस्प्लेस टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हेन टू क्विट द फील्ड एंड व्हेन टू कंटिन्यू द कॉन्टेस्ट। कि कॉन्टेस्ट में विजुअल डिस्प्लेस से ज्यादा हेल्प ले रहे होते हैं रादर देन फिजिकल फाइट। एंड एज एन असाइड वी माइट एक्सपेक्ट अ सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट फिजिकल फाइटिंग to increase as the potential the combatants have to do real harm to one another increases. जाहिर है अगर एक दूसरे को वो harm करेंगे तो उनके लिए advantages तो नहीं है, तो better है कि वो अपने displays के through इस चीज को show कर दें। This is exactly when what James Serpell found when he carried out a review of agonistic behavior of members of some parrots. Lorikeet genus के members हैं ये कुछ, Trichoglossus. Large lorikeet species with heavy and powerful beaks, the main weapon used in physical fights. They use up to 20 highly ritualized display before fight, during contest, and they are unlikely to resort to a physical attack. Kin parrots mein bhi, ye jo lorikeet genus ke parrots hain, right side pe inki picture aapko jo nazar aa rahi hogi, physical fight ke bajaye more than 20 highly refined, highly ritualized displays hain जो इनके अग्रेसिव बिहेवियर या सबमिसिव बिहेवियर को शो करते हैं और फाइट के चांसेस को रिड्यूस करेंगे। अगर कोई एनिमल डिस्प्ले से ही किसी जो है वो डिसिप्यूट को रिजॉल्व कर लेता है, दैट मींस फाइट्स इज लेस लाइकली, फाइट्स के चांसेस कम है, जिससे वो एनिमल इजीली अपनी सर्वाइवल बेहतर बना सकता है। तो ये इनके अंदर विजुअल चैनल का एक फायदा है। मैरीन मैमल्स में विजुअल सिस्टम जो है उनके अंदर ज्यादा डेवलप तो नहीं है वाटर की वजह से, लेकिन उनमें जो जाहिर है लाइट की पेनिट्रेशन एक स्पेसिफिक लिमिट तक होती है, क्लियर वाटर में भी लाइट 200 मीटर तक पेनिट्रेट करती है, तो साउंड का जो बिहेवियर है उनके अंदर वेल डेवलप्ड है एज कंपेयर टू विजुअल। साउंड अटेन्यूएट्स मोर क्विकली इन एयर देन इट डज इन द वाटर। एयर के अंदर साउंड जल्दी जो है वो कह रहे हैं वीक सिग्नल शो करेगी, लेकिन वाटर में इसकी जो वीकनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेट वीक सिग्नल देगी। An acoustic signal, sound signals of the whales are thought to have effective ranges between 100 kilometers. So, 100 kilometers तक उनकी जो sound है, वो travel करती हैं वो. So, it is far more surprising that those mammals that have returned to a marine existence. Marine mammals की जब हम बात करते हैं ना, whale, dolphin, sea, तो इनके बारे में यही कहा जाता है, once they were terrestrial, later on they were modified to get aquatic habitat again. Life water में develop हुई, land पे invade किया, फिर land से कुछ organism दोबारा उन्होंने अपना lifestyle modify किया और with the passage of time aquatic environment adapt किया. Whale, dolphin and seal, such mammals they are considered as terrestrial organisms, but later on they returned, they modified their habitat once again from terrestrial to aquatic environment. तो ये इनकी कुछ मॉडिफिकेशन है, उसमें इन्होंने साउंड को जो है वो ज्यादा एज ए सिग्नलिंग की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के हवाले से, तो साउंड सिग्नल्स को ज्यादा जो है वो यूज किया एज कम्पेयर टू विजुअल सिग्नल्स। एज साउंड सिग्नल्स आर जनरली वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ द टेरेस्ट्रियल
as well as aquatic environment, because they offer rapid signal transmission and a high potential for rapid signal change. केस में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिशन ज्यादा रैपिड है, हाई पोटेंशियल है सिग्नल चेंज का भी वाटर के अंदर, दैट्स व्हाई. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ पैनामेनियन गोल्डन फ्रॉग, या आपने इसमें एक वेविंग सिग्नल पढ़ा था कि अपने फोर लिम्स को वेव करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे साउंड कम्युनिकेशन इन एम्फीबियंस में ज्यादा यूजफुल नहीं है. फर्स्ट जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे इसके हवाले से, फर्स्ट लेक्चर. There is evidence that some species are able to take account of these environmentally imposed problems and modify their sound signals accordingly. क्योंकि environment में कोई issues हैं, कोई problem है, background noise ज़्यादा है. जैसे ये आप शारों में रहते हैं frogs, Panamanian frogs. तो उन्होंने अपने sound communication के behavior को थोड़ा modify भी कर लिया. Humpback whales का जिक्र है, shown on the right side. आप इसको जो है वो ये lower side पे देख सकते हैं. Humpback whale. They are known to alter, change the frequency at which they sing during different times of the year. It had been assumed that this change is song equated to a change in the priorities of the singing individuals. Kyunki jo sound frequencies hain, jo signals hain, songs jinhe kaha gaya, wo modify hote rehte hain according to the environmental conditions throughout the year. Perhaps during one part of the year, the songs were related specifically to courtship. एक स्पेसिफिक पोर्शन में, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ईयर में जब इन्होंने कोर्टशिप का बिहेवियर शो करना है तो कोर्टशिप सिग्नल शो करेंगे. व्हाइल्स्ट ऑन द अदर हैंड इन अनदर सीजन दे वर रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो फूड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड होंगे. ये वेल के हवाले से जो है हम्पबैक वेल का साइज शो किए गए, दे आर क्वाइट लार्जर इंडिविजुअल्स, लार्जेस्ट मैमल्स. Acoustic channel के हवाले से एक बात की गई. However, recently an alternative to this hypothesis has been proposed by modeling the dynamics of sound transmission. Researchers have found that different frequencies are propagated through water most effectively at different temperatures. तो वो courtship या दूसरे behaviors की वजह से नहीं, बल्कि temperature variation की वजह से जो frequencies हैं, उनकी traveling में difference आ जाता है. Especially lower frequencies travel best through warmer water and higher frequencies travel best through colder water. So temperature jo hai inki signaling ko affect karega. So if whales are behaving in a way that would maximize the effectiveness of their songs, we should expect them to use lower frequencies in summer than in winter. And from the available observations, that is exactly what they seem to do. Ki temperature ka role zyada significant nazar aata hai. Environment जो सिग्नल का डिजाइन है उसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, विद द एक्सेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच. द ऑडिटरी कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज मोस्ट फेमिलियर टू अस मस्ट बी दैट एम्प्लॉयड बाय द सॉन्ग बर्ड्स. के सॉन्ग बर्ड्स जो है उनके अंदर भी बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है. ह्यूमन के अंदर अगर वॉइस प्रोडक्शन के लिए लेरिंग्स है तो जो बर्ड्स है उनमें भी एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर सेरिंग्स आपने पढ़ा हुआ वो मौजूद होता है. मेल्स ऑफ दीज स्पीशीज ऑल्दो नॉट एक्सक्लूसिवली एज देयर आर सम accomplished female singers as well. कि mainly तो male जो है वो singing कर रहे होते हैं courtship behavior के दौरान. They devote considerable time and energy to development and production of their songs. And a considerable effort has been made on the part of large number of behaviorists to understand their significance. कि इसको जो है वो काफी focus भी किया गया है with reference to research purposes. One key hypothesis to explain this behavior suggests that male song has a mate attraction function. Evidence to support this idea comes from various observations and experiments, including the following. एक इन्होंने यहाँ पे example quote की हुई है कि attraction of mate birds है उसके लिए भी song ये singing show कर रहे होते हैं. Firstly, singing peaks during the period at the onset of breeding season when males and females are pairing up. वहाँ पे singing जो है वो या इनकी voice production ज़्यादा होती है. Secondly, males of monogamous species, usually एक ही bird के साथ pair up करते हैं throughout life, reduce their singing activity once a mate has been acquired. Mate acquire करने से पहले उनकी singing activity ज़्यादा है और acquire करने के बाद reduce हो जाती है. But by contrast, the males of polygamous species, जो हर season में आप कह लें कि with different female bird pair up करेंगे, they carry on singing after they have acquired a partner. तो वो partner के बाद भी जो है उनके जाहिर pairing continues रहती है, pair change करते रहते हैं वो, that's why they continue their singing as well.
The latter, of course, pair with more than one female. This effect can be further explored experimentally if the mate of a monogamous male is removed from his territory shortly after they have paired up. So, उनके अंदर कुछ जब change को experimentally भी observe किया गया. फिर birds के अंदर आप लोग जानते हैं, the song of the male attracts the female is only one part of the story. इसके अलावा बाकी signals जो courtship behavior में आते हैं वो भी important role play करते हैं. And songs are thought to provide the female with a means by which males can be compared. उनकी जो है वो जाहिर है voice production की ability ज़्यादा अच्छी उसी bird में होगी जो ज़्यादा healthier है. Weaker birds will produce less effective songs. तो selection of good genes, selection of males उसमें help मिलेगी courtship behavior. Experimental evidence does suggest that, however, that mate attraction is not only the function of bird song. There are other reasons too. For example, if I were to capture and remove the males from two territories, but then to replace one of them with a tape recording of his own song, non-territorial intruders would quickly fill the gaps that I had created. के वो birds जो किसी दूसरी territory से remove किए गए उनका gap fill कर ले जाएगा दूसरे birds के through. But in almost every case, it would be the territory without the tape that was filled first. कि जहाँ पे टेप मौजूद नहीं है उसके गैप को पहले फिल किया गया है और जहाँ पे टेप मौजूद है वहां पे उनका रिस्पॉन्स लेट आया. सो समथिंग अबाउट द सॉन्ग ऑफ अनदर मेल डिटर्स इंट्रूडर्स. इट इज क्लियर दैट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन विल रिएक्ट टू द सेम सिग्नल इन द सेम वे. एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल स्टडिंग कम्युनिकेशन. कि एक तो मेट अट्रैक्शन है, दूसरा प्रीडेटर्स को डिटर करने के लिए, उनको थ्रेट करने के लिए भी चीजें यूज होती है. फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात की गई है. मर्की शैलो वाटर नेदर जहां पे लाइट भी ट्रेवल नहीं करती ना ही प्रॉपर जगह साउंड पर्टिकुलरली इफेक्टिव होती है एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप हुए. दो स्पीशीज के जो टाइप्स हैं मॉर्बिफॉर्मिस और जिम्नोटिफॉर्मिस, इनको यहाँ पे राइट साइड पे शो भी किया गया. इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप किए. दे कैन नॉट बी इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बट दे आर इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड बाय वाटर. इवन हियर इट इज ओनली यूजफुल एट अ रेंज ऑफ अप टू अ मीटर. विद इन दीज लिमिटेशंस हाउएवर देयर इज अ ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट दीज फिश स्पीशीज आर एबल टू यूज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड इंटर डिस्चार्ज इंटरवल टूगेदर विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्चार्ज इटसेल्फ to communicate information about species identity, sex of individual, dominance relationship between individuals. जैसे बिल्कुल start में यहाँ पर ये हम electrical signals की बात करें, इसके through objects जो मौजूद होते हैं किसी area में उनको easily species detect करती हैं with any disturbance in their electrical waves या electrical current जो वो produce करेंगे उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस वो इजीली डिटेक्ट करते हैं और इस एबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सोर्सेज एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स इन द एनवायरनमेंट. फिर केमिकल चैनल भी हमने पढ़ा था आंस के हवाले से, इसकी काफी डिस्कशन की थी. ट्रेल लिंक के हवाले से, ट्रेल लिंक के थ्रू इफेक्टिव वे है ये कम्युनिकेशन का. फेरोमोन्स का हमने पढ़ा हुआ है दैट इंसेक्ट्स दे रिलीज फेरोमोन्स एज वेल एज अदर एनिमल्स दे रिलीज फेरोमोन्स केमिकल्स व्हिच मे हेल्प in detection of their territory, detection of food, different sources के लिए chemical signals भी use होते हैं. इसमें भी animals की energy तो use होती है लेकिन chemical signaling जो है usually ये long term effect show करते हैं. But इसके लिए जो एक बाकायदा animal है उसका एक chemical का release करना और दूसरे animals का उसको detect करना जरूरी होता है. For example, pheromones की यहाँ बात की गई है. Trailing ants में जो फूड मिलने के ऊपर वो ट्रेल सेट करती हैं और कम्युनिकेशन आंट्स के दरमियान उसी केमिकल के थ्रू होती है जब तक वो केमिकल परसिस्ट करता है. कुछ एनिमल्स इन केमिकल्स को अपने एरिया को या टेरिटरी को रिकग्नाइज करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं. यहाँ पे कुछ बीटल्स का जिक्र है जिसमें केमिकल कम्युनिकेशन को डिटेल से डिस्कस किया गया. कैरोफिलस, ना सिर्फ ये बीटल्स बल्कि दुनिया में बहुत सारे इंसेक्ट्स पेस्ट they are controlled via use of pheromones. Actually, ये कैरोफिलस बीटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पेस्ट है. दे अटैक राइपनिंग स्टोन फ्रूट्स जैसे नेक्ट्राइन्स हैं, पीचेस हैं, उनको अटैक करते हैं
और ब्राउन रॉट का भी कैरियर होते हैं, फंगल डिजीज भी कॉज करेंगे, जाहिर है इंडस्ट्री के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है ये। तो इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स की बजाय एक ज्यादा कॉमन सोर्स यूज किया गया, दैट इज यूज ऑफ फेरोमोन्स, सेक्स अट्रैक्टिंग फेरोमोन्स। डेविड जेन एंड हिज टीम्स एट वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी हैव फाउंड अ वे टू यूज द बीटल्स ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम अगेंस्ट देम। कैसे? ये हमारे पास फेरोमोन ट्रैप्स हैं जो राइट साइड पे आपको ये बना नजर आ रहा है, ये फेरोमोन ट्रैप्स हैं, और भी इनकी शेप्स हैं, ये भी फेरोमोन ट्रैप्स हैं, और ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं फेरोमोन ट्रैप्स की, जिनके ऊपर फेरोमोन्स या केमिकल्स अटैच्ड होते हैं। मेल बीटल्स दे सीक्रेट एन एग्रीगेशन फेरोमोन दैट इज इररेसिसिबल टू मेंबर्स ऑफ देयर ओन काइंड। द केमिस्ट्री ऑफ दिस फेरोमोन दैट हैज बीन डिटरमाइंड, और उसको लैब में बना लिया गया, फिर उनको एग्रीगेट करने के लिए कुछ स्टिकी कार्ड्स या कुछ, ये देखिए फनल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर इन केमिकल्स को डाल दिया जाता है। इन केमिकल्स की अट्रैक्शन की वजह से जब ये बीटल्स या इसके जो मेंबर्स हैं अट्रैक्ट होंगे, दे विल बी ट्रैप्ड ओवर हियर। तो इनको डिफरेंट टेक्निक्स के तौर पे, जैसे 5 meters आउटसाइड ऑफ एन ऑर्चर्ड एट 3 meter इंटरवल्स उनको सेट किया गया, और उससे काफी इफेक्टिव कंट्रोल मिला। इससे क्या फायदा होता है? जाहिर है हमें केमिकल कंट्रोल से बच जाते हैं, जो केमिकल कोर्स केमिकल कंट्रोल के दूसरे थ्रेट्स हैं, दूसरे जो है वो उसके इफेक्ट्स हैं, उनसे हम बच जाते हैं। तो ये उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि 54 ट्रैप्स लगाए गए ड्यूरिंग 4 week पीरियड, और उसमें 94,240 बीटल्स वो ट्रैप की गई, एंड फर्दर 14,200 ड्यूरिंग द 4 week हार्वेस्ट पीरियड, उसमें भी इनको जो है वो सॉर्ट आउट किया गया। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के दौरान जब हम इंसेक्ट्स को या पेस्ट को कलेक्टिवली डिफरेंट मैथड्स यूज करते हुए कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे आप कह लें, या एक एप्लीकेशंस ऑफ दिस केमिकल कम्युनिकेशन, इसके तौर पे एक बड़ा इफेक्टिव मैथड कंसिडर होता है और कॉमनली अब यूज भी होता है, नॉट ओनली फॉर द ट्रैपिंग ऑफ बीटल्स, बल्कि दूसरे बहुत से पेस्ट को ये ट्रैप्स लगा के, केमिकल्स लगा के उनके थ्रू कैप्चर किया जाता है। जैसे येलो कलर के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, इनमें साथ फेरोमोन्स केमिकल्स ऐड किए होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और वो वहां पे आके अटैच होंगे। ना सिर्फ एग्रीगेशन फेरोमोन्स है, बल्कि सेक्स अट्रैक्टिंग फेरोमोन्स, जो एक मेंबर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केमिकल्स को अप्लाई करके जो दूसरे मेंबर्स होंगे, लाइक फीमेल्स के फेरोमोन्स या सेक्स अट्रैक्टिव फेरोमोन्स, अगर उनको अप्लाई कर दिया जाता है तो स्पीशीज के मेल मेंबर्स जो है वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर एक पॉपुलेशन रिड्यूस होती है तो दूसरी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यहाँ पे एक बात और भी डिस्कस की गई है कि इन फेरोमोन्स को बजाय इसके कि हम पहले वेट करें कि इंसेक्ट्स आ जाएं, उनका अटैक हो जाए, फिर उनके हवाले से उन पे जो है वो अप्लाई किया जाए, उससे थोड़ा पहले या उसके फील्ड के सराउंडिंग में थोड़ा डिस्टेंस पे भी अगर इनको ट्रैप्स को लगा दिया जाएगा तो इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकेगा बाय केमिकल कंट्रोल।